हेलो फ्रेंड्स, आज मैं खजूर पाक बनाने जा रही हूँ। बिस्किट्स के ऊपर खजूर पाक का लेयर लगाएंगे ताकि बच्चों को भी पसंद आए। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। खजूर पाक बनाने के लिए हमने लिया है खजूर। खजूर चूज करते वक्त हम इस बात का ख्याल रखें कि खजूर लंबे सीड्स वाला सॉफ्ट लेना है, और कोकोनट पाउडर की ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट्स। सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक पैन में 3 टेबलस्पून घी गरम करेंगे। अब इसमें हम खजूर डालेंगे। खजूर को हमने साफ करके सीड्स निकाल के छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है। मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूस चलाकर इसे शेकेंगे। खजूर का टेस्ट स्वीट होता है, तो हमें शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है। खजूर अच्छे से गल जाए और घी के साथ मिक्स हो जाए, तब तक हमें इसे शेकना है। खजूर को घी के साथ में शेकने से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया बन जाता है। तो ये अच्छे से गल गया है, इसमें अब हम कोकोनट पाउडर और ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लेंगे। तो ये खजूर पाक तैयार है। अब स्टोव ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। अब बिस्किट्स के ऊपर इसका लेयर्स बना लेते हैं। ऐसे इसे सेट कर लेना है। इसे 4 पीसेस में काट लेंगे। ये हमारा बिस्किट्स खजूर पाक तैयार है। इसे जरूर ट्राई करें, और हाँ, मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।